हाय एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है जज्बात, नबील अकबर, उमेर खान, तला अंजुम। सो इस गाने की सजेशन भी मुझे आए थे और इंस्टाग्राम पे भी बोल रहे थे सब कि इस गाने पर रिएक्ट करो, तो मैं आ गई ये गाना लेकर। सो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना नहीं जाना। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना तो साइड में आईडी दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो जाके फॉलो करो। अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ओके, सो स्टार्ट, लिरिक्स भी चेक करेंगे। ओके, जज्बात जुबान गंदी पर दिल साफ रखे है शुरू से, वक्त की तंगी सख्त हालात बस मेरे गुरु थे। मैं हंस के सब कुछ सहता रहा, कलम से दर्जे बहता रहा, मैं पैरों पे खड़ा अब तक तेरे भरोसे। जमीन से गिरे हुए अपने टुकड़े, 22 साल की उम्र में जैसे बुजुर्ग में मैं जैसे बन चुका हूँ कैदी, बालों में आ गई सफेदी, तेरी उम्र से ज्यादा तभी मेरे तजुर्बे, शराब से ज्यादा नशा भरा पड़ा रगों में। जिंदगी कैसे बयां कर दूं मैं चल लफ्जों में, मैंने चलना सीखा उंगली पकड़ के मौत की, बचपन से ही मेरी थी तन्हाई से सिर्फ दोस्ती, तब से लेके आज तक लड़ता रहा जमाने से, रोजाना मर मर के अपनी डरता मैं मर जाने से, आजाद होना चाहता हूँ गुनाहों के पैमाने से, ए खुदा मैं थक गया मुझको वापस घर आने दे, मैं रंजिश और बंदिशों की जंजीरों में फंस चुका, हाथों की लकीरों की तकदीरों से तंग आ चुका, किताबों की तहरीरों में अपने जख्म छुपा रहा, मैं क्या करूँ ये सब मेरे हिस्से में पहले से लिखा। टूटे सब सपने मेरे कांच से, रूठे सब अपने मेरे नाम से, मुंह पे मैं कहता सब कुछ सामने, हम मानते कसूर पर हम खुद को अपने हार के, कर दूं दफन मैं अपने ख्वाब कैसे लोग कहें, मुझे हराम और छुटा है हक है, पर मैं कभी ना रुकूंगा ये बातें जो हैं, कर देती खोखला अंदर से, पर है भरोसा खुद पे, इधर गधे घोड़े में कोई फर्क नहीं, नौकरी ना करे जो वो मर्द नहीं, बेख्याली हाथें खाली, अंधेरी सुबह है या है रात साली, खुद ही खुद या दूं खुद को ताली, और अब वही खाली हाथ लेके रात लेके बैठा हूँ बंद कमरे में, पसीने की एक आस लेके, टूटा हुआ दिल और मरे हुए जज्बात लेके, लड़ रहा मैं अब तक कुछ आखिरी सांसें हैं, खड़ी मेरी मौत बस कुछ थोड़े से फासले पे, लेके पिछला बोझ कैसे चलूं आगे रास्ते पे, मच्छर तो है शोर पर कोई सुनता नहीं आवाज, जैसे लगे मुझे रोज के ये दिन मेरे आखिरी से। आज हम बात करें जिंदगी की, आज बात करें तेरी मेरी जिंदगी की, हम दोनों बच्चे थे और चारों तरफ गंदगी थी, कलाशन बज रही थी, खुली चरस बिक रही थी, आगे सुन, हम यंग भी थे डम भी थे, रहनुमा थे कम भड़काने वाले कम नहीं थे, तेरे सामने है तीर अब कमान में है, हिप हॉप अंधेरे में था जैसे किसी गार में है, आगे सुन, 2009 रैप सीन नोबडी, 2018 उर्दू रैप का बोलबाला, 2020 मुझे रैप बोर करे, 2022 सारे अब रैप पे गौर करे, प्रोफेसी एंड दो आई एम नॉट अ प्रॉफिट, बिग बिल्स बट नॉट बिगर देन द प्रॉफिट, वर्ड प्ले ऑल माय डेज टिल आई ब्रो स्टॉप, शूट मी डेड एंड देयर इज अ चार्ट आई माइट स्टिल टॉप, सच के मुकाबले में वो लाते झूठ, every time I write songs उम्मीद जाती टूट, के बस ये आखरी, के बस अब और नहीं, के मेरे में अब दुनिया से लड़ने का जोर नहीं, पर मौला मदद कह के हम आगे बढ़ते रहते, रैपर्स तो तब भी थे पर तब भी नहीं थे मेरे जैसे, जैसे तैसे करके लगा रहा छोड़ा नहीं, टाइम लगाया है भाई ऐसे ही होता छोड़ा नहीं, मोड़ा नहीं मैंने मुंह कभी इस गेम से, कभी नहीं गिना क्या क्यों छीना मुझसे गेम ने, मेरे लिए रहेगा हमेशा गेम ही, उर्दू रैप और मैं साथ till eternity। सब सपने मेरे कांच से, रूठे सब अपने मेरे नाम से, मुंह पे मैं कहता सब कुछ सामने, हम मानते कसूर पर हम खुद को अपने हार के। ओके, सो तो मतलब तीनों ने अपने जज्बात, अपने इमोशंस बताए हैं अपने लिरिक्स के ज़रिए, और इतनी ज़्यादा मुझे हिट कर रही थी इन सब की लाइंस, मतलब ऐसा लग रहा था कि यार ये चीज़ें तो हमारे साथ होती हैं, और ऐसा फील हो रहा था अंदर से। सो नबील अकबर को मैंने पहले भी सुना है, और इधर भी जब मैंने इस गाने में भी सुना, तो उनकी लिरिक्स तो मुझे ऐसा
बहुत तगड़े तरीके से उन्होंने अपने इमोशंस बताए इस गाने के जरिए कि मैं हंस के सब कुछ सहता रहा, कलम से दर्द ये बहता रहा, 22 साल की उम्र में जैसे बुजुर्ग मैं, मतलब मैंने हंस हंस के ही अपनी लाइफ काट दी है और जो मेरा दर्द था वो मैंने कलम के जरिए एक कागज में लिख दिए हैं, मैं सिर्फ अपने इमोशंस वहाँ लिख सकता हूँ। और 22 साल की उम्र में जैसे बुजुर्ग मैं, मतलब 22 साल की उम्र कितनी ही होती है यार, 22 साल की उम्र और बुजुर्ग, मतलब बुजुर्ग इंसान को बहुत ज़्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस होता है और 22 साल की उम्र में ही उन्होंने सब कुछ देख लिया है, उनको सब समझ है। और बोला कि मैं चलना सीखा उंगली पकड़ के मौत की, बचपन से ही मेरी तन्हाई से थी दोस्ती, और इतना मर मर के जिया हूँ कि अब मुझे डर नहीं है अगर मैं मर भी जाऊँ तो। मतलब देखो यार, इनके लिरिक्स काफ़ी ज़्यादा समझने लायक थी और समझ आ रही थी, ऐसा कुछ टफ वर्ड्स नहीं थे, बहुत अच्छे से समझ में आ रहे थे। बट मैं ये लाइंस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत हिट कर रही थी ये लाइंस, बहुत बहुत, उनकी एक एक लाइन मुझे हिट कर रही थी। मतलब एक अंदर का दर्द जो होता है ना, वो उन्होंने अपने गाने के ज़रिए बता दिया है, और जो भी बताते तो ऐसा लगता है कि यार, मतलब खुद को इतना वो कनेक्ट फील करोगे इनके गाने सुन के कि बस। और उमेर खान का हुक था, मुझे लगा उमेर खान के सिर्फ हुक है और वो हुक में ही सुनाई देंगे, बट उन्होंने रैप भी शुरू किया अपना और उन्होंने भी अपने इमोशंस बताए और उन्होंने अपने लिरिक्स में बताया है कि जो नौकरी ना करे वो मर्द नहीं है। तो ऐसा होता है कि जब कोई बंदे को किसी और चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो फैमिली वाले और सोसाइटी वाले, ये जो चीज़ है ना, ये स्टार्टिंग से चलती आ रही है कि अगर आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो फैमिली और सोसाइटी से वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट है वो सब ख्याली पुलाव है, वो स्कूल तक ही अच्छा लगता है, वो तब तक करो आप कुछ भी, गेम्स, डांस, सिंगिंग, रैप, ये सब तुम पहले करो जब पढ़ रहे हो, उसके बाद तुम अपनी पढ़ाई पे, मतलब स्टडी पे फोकस करो और अच्छी सी जॉब ढूंढो और एक उस पर मतलब अपना लाइफ सेटल कर लो। मतलब सबका फैमिली वाले भी यही चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों में सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो इसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि हर कोई ये बोलता है कि जो नौकरी नहीं करता वो मर्द नहीं है, मतलब नौकरी करने वाला ही मर्द। तो ये वाली लाइंस भी काफ़ी लोगों को फील हुई होगी, क्योंकि जो जॉब करते हैं उनमें से आधे लोग तो ऐसे हैं जो अपनी, जो उनकी विश होती है, जो वो करना चाहते थे, वो सब मार के बैठे होते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है या सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो ऐसे बहुत लोग हैं, तो ये वाली लाइन्स मुझे बहुत ज़्यादा हिट करी थी, क्योंकि जो और एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें नहीं मिल पाता है सपोर्ट, ये स्टार्टिंग से चलता ही आ रहा है और आगे, और अभी भी है, अभी भी लोग नहीं करते हैं सपोर्ट। और तारा अंजुम ने भी अपनी लाइफ की चीज़ें बताई, जो उनके पास्ट में उनके लाइफ में चीज़ें हुई थी वो सब बताई, कि हम बच्चे थे और चारों तरफ गंदगी थी और हिप हॉप उस टाइम पे अंधेरे में था, 2009 में रैप का कोई सीन ही नहीं था, हिप हॉप का कोई सीन ही नहीं था, फिर 2018 में उर्दू रैप में सब ने गौर किया, उसके बाद 2020 में मुझे रैप ने बोर किया, और 2000 और फिर आगे का बताया कि 2022 में सब रैप में गौर करें, मतलब अब सबका ध्यान आगे जो टाइम आने वाला है उसमें सब लोग रैप में गौर करेंगे, और ये सच बोला है। अभी भी ऐसे कुछ हैं जो नहीं सुनते हैं, बट 90% लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग। अब मैं तो, मेरा तो ये है कि अब आने वाले टाइम पे ना यही चलने वाला है, और ये बात उन्होंने सही बोली है। मैंने तो ये गाना लेट सुना है, बट जो भी है, जो बात इन्होंने बोली वो चीज़ एकदम करेक्ट बोली है, क्योंकि मैं भी नहीं सुनती थी रैप यार, और मैं भी अभी सुनने लगी हूँ और समझने लगी हूँ। सो ये लाइन उन्होंने एकदम करेक्ट बोली, और फिर उन्होंने अपनी लाइफ के स्ट्रगल बताए कि कैसे कैसे उन्होंने चीज़ें
देखी और कैसे कैसे उन्होंने स्टार्ट किया और क्या क्या चीज़ें उनके लाइफ में आई। और उन्होंने बोला ना अपने लिरिक्स में कि पहले मैं लिखता था और मेरी उम्मीद टूटती थी, मतलब उम्मीद जो होती थी कि मैं ऐसा करूँगा वो नहीं हो पाता था, क्योंकि जब तुम स्ट्रगल कर रहे होते हो, जब तुमने शुरुआत किया होता है तो काफ़ी सारी कमियाँ तुम्हारी चीज़ों में निकलती है, जिस चीज़ में तुम्हारा जो चीज़ तुम करना चाहते हो उसमें एकदम से परफेक्शन नहीं आ पाता है, कुछ ना कुछ कमी निकलती है। तो वही चीज़ अंजुम के साथ भी होती थी। और उसके बाद धीरे धीरे वो उनके मन में ऐसा होता था कि अब इसको छोड़ देते हैं, अब मेरे से नहीं होगा, बट फिर भी उन्होंने जैसे तैसे करते गए छोड़ा नहीं। और फिर उन्होंने बोला कि टाइम लगाया है भाई, ऐसे ही मैं होता चौड़ा नहीं। तो ये वाली लाइन मुझे बहुत बढ़िया लगी कि मैंने जो लाइफ में स्ट्रगल किया है और अब जो मैं चौड़ा होता हूँ ना, वो ऐसे ही नहीं होता, क्योंकि मैंने टाइम लगाया है, मैंने मेहनत करी है और उस चीज़ से मैं आज खुश हूँ। तो यार मैं सच बता रही हूँ, मतलब इनके गाने सुन के मैं सच में मोटिवेट होती जा रही हूँ। आप लोग भी हो रहे होगे कि यार देखो कम से कम मेरे हिसाब से, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट मैंने कुछ कुछ गानों में सुना है 10 साल से ऊपर इन्हें हो गया है। 10 साल कम नहीं होते भाई, बहुत बढ़िया लिरिक्स लिख रखे हैं। और मुझे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा नबील अकबर का भी, उमेर खान का भी और तला अंजुम का भी। सो ये ट्रैक मुझे बहुत बढ़िया लगा और थैंक यू यार, आप लोग बहुत बढ़िया ट्रैक मुझे सजेस्ट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा ये गाना। आई होप आपको ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।